आईपीएल 2021। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सीएसके वर्सेस पंजाब के बीच में होने वाला ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुका है। और यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों कि दीपक चाहर ने तो काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया है, लेकिन ये सभी सोच है एमएस धोनी की। यहाँ पर सीएसके की सोच हमेशा ही से ही अलग रहती है, क्योंकि उनके पास है एमएस धोनी। और यहाँ पर जब पहला ओवर कराने आए थे दीपक चाहर, तो चौथी बॉल पर मयंक को वो बोल्ड कर चले गए थे, जीरो पर यहाँ पर मयंक को वो चलता कर गए थे। लेकिन उसके बाद में धोनी ने उनको दूसरा ओवर दिया जो कि था थर्ड ओवर, और थर्ड ओवर की पांच बॉल पे उन्होंने पांचवी बॉल पर रनआउट करवाया केएल राहुल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या हुआ। आपको बता दें कि एमएस धोनी ने तीसरा ओवर लगातार दे दिया यहाँ पर दीपक चाहर को, और वो फिर से पांचवें ओवर के अंदर आए और दूसरी बॉल पर गेल को आउट करवा गए, जो कि जडेजा ने उनका कैच लपक लिया था। और चौथी बॉल पर यहाँ पर निकोलस पुरन को भी उन्होंने आउट करवाया और ठाकुर ने उनका कैच पकड़ा। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर मोड ले चुका है अब सीएसके और पंजाब का ये मैच। और जिस तरीके से धोनी यहाँ पर कप्तानी कर रहे हैं और चाहर को यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक है। तो दोस्तों अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।